नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अब खबर बारा के शाहबाद से है, जहां पर खान तथा गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने नगरकोट माता मंदिर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री प्रमोद जैन भाया के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के आलाधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं इस मौके पर मंत्री भाया ने प्राचीन नगरकोट मंदिर के विकास कार्यों को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्रम मंत्री टीकाराम जूली अलवर के बानसूर दौरे पर रहे, जहां मंत्री जूली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। तो वहीं इसके बाद मंत्री टीकाराम जूली ने पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की, साथ ही प्रभारी और पर्यवेक्षक के अलवर दौरे पर भी विचार विमर्श हुआ। लाडनू विधायक और अलवर जिला कांग्रेस प्रभारी मुकेश भाकर सोमवार को बानसूर दौरे पर रहे। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष राकेश दायमा के नेतृत्व में विधायक का स्वागत किया गया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में विधायक मुकेश भाकर ने पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा किया, साथ ही कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा। जो अलवर और राजस्थान में जिन जिलों में नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों की घोषणा हुई है, उन जिलों में प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व के जो आदेश अनुसार जिन जिन लोगों को प्रभार दिया गया वहां जाकर बायोडाटा लेने हैं। जो सीनियर लीडर्स हैं, जिला अध्यक्ष है, एमएलए हैं, एमएलए प्रत्याशी हैं, जो यूथ कांग्रेस है एनएसवाई के जो साथी हैं, उनसे मिलकर और आने वाले समय में जब अलवर जिले का मुझे प्रभार दिया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ में, तो मिलजुल कर वहाँ किस तरीके से हम नए लोगों को, पुरानों को, सब लोगों को बीच आपस में सामंजस्य बनाकर आने वाले समय में नगर पालिका और इन चुनावों को हम जीत सकते हैं, इसको लेकर अलवर जिले का आज प्रभारी नियुक्त होने के बाद पहली बार जाना हो रहा है। युवा साथियों का मैं राकेश दायमा जी का और पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ स्वागत किया और जो युवा साथी उनसे मिलने। प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी चपेट में आने से राजनेता, कलाकार से लेकर आमजन तक भी नहीं बच पाए। तो वहीं नागौर जिले की कुचामन सिटी में राजस्थानी अभिनेता और 12 फीट लंबी मूंछों से अपनी पहचान बनाने वाले मूनचंद शर्मा की कोरोना से मौत के बाद शोक की लहर है। शर्मा 2 दर्जन से अधिक राजस्थानी फिल्मों में विलन का रोल निभा चुके हैं। तो वहीं 2 बार मुख्यमंत्री से सम्मानित भी हुए। आपको बता दें कि शर्मा आनंदपुरा गांव निवासी थे। उनके निधन पर कलाकारों और उनके चाहने वालों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। प्रदेश की 65 पंचायत समितियों में मतदान संपन्न हो गए हैं। सोमवार को अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा और बीकानेर सहित 21 जिलों की 65 पंचायत समितियों में 1310 सदस्यों ने उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हुआ। पहले चरण में मतदान में लगभग 25,000 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जबकि 50,000 से ज्यादा कार्मिकों ने कार्य व्यवस्था संभाली। अब दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर, तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान करवाया जाएगा, जबकि मतगणना इसके बाद में होगी। जिला परिषद और पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। गांव की सरकार बनाने को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आया। कोरोना महामारी के बीच मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइंस दिखाई दी, तो वहीं मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को बिना मास्क के अंदर जाने नहीं दिया गया।
प्रशासन ने नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लगाकर रखे थे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर टोंक, झालावाड़ के डग, नागौर और बीकानेर में हुए मतदान की तस्वीरें देख सकते हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बूंदी, राजसमंद के भीम, बाड़मेर के चौहटन और नागौर के मुंडवा की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। तो पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। गांव की सरकार को बनाने को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। बूंदी, राजसमंद के भीम, चौहटन जो है बाड़मेर में और साथ ही में नागौर के मुंडवा की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शांतिपूर्वक मतदान प्रदेश में संपन्न हुआ और 21 जिलों में चूंकि मतदान जारी है, जिसका प्रथम चरण आज संपन्न हो गया। कोरोना गाइडलाइंस का विशेष तौर पर ख्याल यहाँ पर हर ओर से देखने को मिला। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में कई जगह मतदान के पर्व में अनोखी तस्वीरें भी सामने आई और लोग इस यज्ञ में आहुति देते नजर आए। पहली तस्वीर नागौर के मुंडवा से है, जहां पर दूल्हे ने अपनी शादी से पहले मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं जैसलमेर के नाचना में भी मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। गांव की सरकार बनाने को लेकर दिव्यांग भी पीछे नहीं रहे, जहां एक दिव्यांग ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी भागीदारी निभाई। तो वहीं करीब सभी जगहों पर महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखी गई। मतदान केंद्रों पर काफी संख्या में महिलाएं मतदान करने पहुंची और चौथी तस्वीर पहली बार देखी गई, जहां पर सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना होती दिखाई दी। प्रशासन ने मतदाताओं को बिना मास्क पहने वोट डालने की अनुमति नहीं दी और नो मास्क नो एंट्री के तहत वोट डाले गए। प्रदेश में पंचायत समिति सदस्य चुनावों में पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। सोमवार को मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान का प्रयोग किया। इस दौरान कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस का पूर्णतया पालन किया गया, तो कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ी। मतदाता बिना मास्क के ही बूथ पर पहुंचे। हालांकि मतदान केंद्रों पर बिना मास्क के मतदान नहीं करने दिया गया। फिलहाल आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसलमेर, पाली के रानी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और टोंक के निवाई से मतदान की तस्वीरें। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के तहत झुंझुनू, मंडावा, अलसीसर पंचायत समितियों में भी वोटिंग हुई। तो वहीं लोकतंत्र के पर्व के लिए झुंझुनू के अलग अलग बूथों पर रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आई। आप टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो प्रतापपुरा मतदान केंद्र की है, जहां एक बुजुर्ग महिला को वोट डलवाने के लिए उसके परिजन व्हीलचेयर पर लेकर उन्हें पहुंचे। तो वहीं युवा मतदाता जयश्री चौधरी ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टोंक के निवाई में भी पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाले। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ी। आपको बता दें कि मतदाता बिना मास्क के ही मतदान करने यहां पहले पहुंचे, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी कुछ खास ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि प्रशासन ने मास्क लगाकर आने वाले मतदाताओं को ही मतदान की अनुमति दी। जाओ जाओ।
झुंझुनू में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस मौके पर मतदान केंद्रों से सुखद और अच्छा संदेश देने वाली तस्वीरें सामने आई। पहले पंच और सरपंच के चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का इतना ख्याल नहीं रखा गया जो कि इस बार देखने को मिला। तस्वीर इस्लामपुर और भंडौरा गांव की है, जहां पर बिना थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सैनिटाइज करवाए बिना मतदान केंद्रों पर प्रवेश ही नहीं दिया गया। तो वहीं मास्क ना लगाकर आने वाले मतदाताओं को मतदान के लिए मास्क लगाने के बाद ही अनुमति मिली। जालौर के अहोर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव के पहले चरण संपन्न हो चुके हैं। सोमवार को मतदान के अवसर पर जुगावा गांव के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, जिसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने मतदाताओं से समझाइश की। अब खबर 12 के अंता से है, जहां वोटिंग लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जाने के मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि फर्जी नामों को नहीं हटाया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि दबाव में आकर प्रशासन की ओर से दो वार्डों में फर्जी नाम जोड़े गए हैं। अब खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां 40 वार्डों में होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऐसे में उपखंड कार्यालय पहुंचकर वार्ड नंबर 28 के निर्दलीय प्रत्याशी ने पहला नामांकन दाखिल किया, तो वहीं इसके बाद दूसरे प्रत्याशी भी उपखंड कार्यालय पहुंचे। इधर नगरपालिका चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। अब खबर है जालौर के सायला से, जहां जीवाणा के पास स्टेट हाईवे पर तीन वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई तो पुलिसकर्मी समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के अनुसार चुनाव ड्यूटी में लगी पुलिस की बुलेरो, शिक्षक की जीप और एक पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर शिक्षक गिनाराम देवासी ने अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल दो घायलों का इलाज जारी है। और चलिए इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर से पहले आपको रूबरू करवा दें, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का निधन हो गया है। 86 वर्ष की उम्र में तरुण गोगोई का निधन हो गया। आपको बता दें कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। और असम के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोगोई। असम में जिनका कार्यकाल था शानदार कार्यकाल उनका रहा। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का निधन हो गया है। 86 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान निधन असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का हो गया। असम में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तरुण गोगोई, जिसके बाद अस्वस्थ होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे और 86 वर्ष की उम्र में तरुण गोगोई ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक बार फिर से आपको बता दें बड़ी और दुखद खबर इस वक्त की, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया।
चलिए अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, एक दुखद खबर सामने फिलहाल आ रही है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और तीन बार मैं कहूंगी कि मुख्यमंत्री जब वो रहे शानदार कार्यकाल उनका रहा, लेकिन तरुण गोगोई जी अब हमारे बीच नहीं रहे। नीरज जी, देखिए, कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा है और तरुण गोगोई का निधन भी कोरोना के संक्रमण के चलते ही हुआ है। वे असम के तीन बार मुख्यमंत्री रहे और कोरोना के चलते ही उन्हें गुवाहाटी के जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया गया था और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। वे सांसद भी रहे और बड़े असम के बड़े नेता रहे हैं, उनका शुमार रहा है, जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। ऐसे में उनका जो असम है वहाँ पर बड़ा सम्मान है उनका। सुबह भी उनसे जब आज उनके स्वास्थ्य के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उनके बेटे से उनके समाचार की जानकारी ली थी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और उनको भी ये भरोसा नहीं था कि शाम होते हुए उनके निधन की खबर मिलेगी। वाकई में उनके निधन से जो आसाम है वहाँ के लोगों को तो बड़ा गहरा आघात लगा ही है, साथ ही जो उनके संपर्क में रहे हैं लोग उनको भी गहरा आघात लगा है। उनके निधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और उनके परिजनों से भी फोन पर राहुल गांधी ने बात की है और उनको ढांढस बंधाया है और इस जो क्षति हुई है तरुण गोगोई के निधन से उसको सहन करने के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है। आपको बता दें कि असम में बड़े ही प्रभावशाली नेता के तौर पर तरुण गोगोई को जाना जाता है। वे सांसद भी रहे हैं और उनको भी कोरोना के चलते ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कोरोना के चलते ही उनका निधन आज शाम को हो गया है। जयते जी, नीरज जी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो असम के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का कोरोना की वजह से निधन आज हो गया। धौलपुर जिले में एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश पर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आदर्श नगर गांव में पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हथकड़ शराब की भट्टियों को नष्ट कराया। इस दौरान बड़े पैमाने पर शराब गांव के अंदर यहां पर भट्टियां जो संचालित थी वो मिली। पुलिस ने हथकड़ शराब की करीब 100 से अधिक भट्टियों को जेसीबी मशीन से नष्ट किया है। तो वही पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, साथ ही गांव में भी हड़कंप मच गया। डूंगरपुर के गोकुलपुरा गांव में हुए युवक की संदिग्ध मौत का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हनेला निवासी ईश्वर डामोर का शव लहूलुहान हालत में फांसी के फंदे से लटका मिला है। ऐसे में पुलिस ने मृतक के चाचा ससुर कन्हैया लाल को गिरफ्तार किया। आरोपी ने किसी बात को लेकर ईश्वर डामोर पर हमला किया जिसके बाद ईश्वर बेहोश हो गया, तो वहीं होश में आने के बाद उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर की सैपऊ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 5,000 के नामी बदमाश राजकुमार गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक वर्ष से कई वारदातों में फरार चल रहा था। थाना प्रभारी परमजीत ने बताया कि एसपी के निर्देश पर बदमाशों, डकैतों और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस कई हार्डकोर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। बजरी एवं जाप्ता के साथ मुजामत के मामले में पिछले 8-10 महीने से चल रहा था फरार राजकुमार को आज गिरफ्तार किया गया, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 की नाम थी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों की पकड़ के लिए विशेष अभियान चल रहा था जिसके तहत कार्रवाई की गई। अलवर के भिवाड़ी में 3 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। इस मामले में यूआईटी पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का पिता और आरोपी एक ही फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। ऐसे में पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। महिला थाने में एक 3-4 साल की बच्ची के साथ
यौन छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ है, लड़की का मेडिकल करवा दिया गया है और जो अपराधी है उसकी सघनता से तलाश की जा रही है। घटना 19 तारीख की बताई जा रही है। लड़की के पिता द्वारा सुबह थाने पर आके प्रकरण दर्ज करवाया गया। 19 तारीख की घटना बताकर उस आधार पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया त्वरित रूप से, और प्रकरण में जो नामजद अभियुक्त है उसकी हम तलाश करके अग्रिम अनुसंधान कर। बाड़मेर के चौहटन में आग की चपेट में आने से दो झोपड़ी और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। घटना जाम कतला गांव की है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। इसमें घरेलू सामान जलकर खाक हो गया, तो वहीं आग की चपेट में आने से दो झोपड़ियां भी जलकर खाक हो गई। घटना के वक्त घर के लोग मतदान के लिए बाहर गए हुए थे। बारा के शाहबाद में रोजगार नहीं मिलने से सहरिया परिवार पलायन करने को मजबूर है। उपखंड क्षेत्र के राजपुर कस्बे में सहरिया बस्ती के लोग रोजगार नहीं मिलने से पलायन कर रहे हैं। फिलहाल इनका जीवन निर्वहन मनरेगा कार्य, फसलों की कटाई और मजदूरी के माध्यम से हो रहा है। सहरिया परिवारों का कहना है कि मनरेगा कार्य बंद है, जंगलों में फल औषधियां समाप्त हो चुकी है, बरसात के कारण फसलें भी चौपट हो चुकी है। ऐसे में वो पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। सवाईमाधोपुर के बौली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने एक बैठक ली, जिसमें तहसीलदार ब्रजेश मीणा और विकास अधिकारी महेश मीणा सहित कई गांव के सरपंच उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीएम ने कोरोना की नई गाइड अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां विजय अक्षर वन में अक्षय नवमी पर आंवला पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंडित सुरेश गौड़ ने मंत्रोच्चार के साथ आंवले का पूजन करवाया, तो वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी विशेष ख्याल रखा गया। पंडित गौड़ ने बताया कि आंवला धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से मानव जीवन के लिए बड़ा महत्व रखता है। आंवले की पूजा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सर्दी का सितम हिल स्टेशन माउंट आबू में निरंतर जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन यहां प्रभावित है, तो वहीं तापमान भी जमाव बिंदु के पार पहुंच गया है। साथ ही तेज सर्दी की वजह से घास के मैदान और वाहनों पर बर्फ की परत जम गई है। इधर सर्दी के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का माउंट आबू पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।